हेलो दोस्तों, आप सबका मेरे चैनल पर स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं IIT भुवनेश्वर की ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक के बारे में। तो हम डिटेल से बताऊंगा मैं आपको, तो मैं सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में बताऊंगा इसमें। तो सिविल की कट ऑफ कितनी रही थी ओपनिंग एंड क्लोजिंग रैंक, तो ये लास्ट राउंड की कट ऑफ है, ठीक है ना। लास्ट राउंड की कट ऑफ है, ये नहीं है पिछले राउंड की कट ऑफ है। तो आपको कितने तक आपको मिल सकती है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ, एक्सपेक्टेशन है ये, ठीक है। तो IIT भुवनेश्वर की सिविल इंजीनियरिंग की 4 साल की जो B.tech है, और उसमें जनरल कैटेगरी की ओपनिंग रैंक थी 5,802 से लेके 7,857 तक, 7,857। इसमें ओपनिंग रैंक कोई मायने नहीं रखती है, बस क्लोजिंग रैंक मायने रखती है कि आप क्लोजिंग रैंक कितनी रही है, मतलब आपको कितने रैंक तक ये मिल सकती है, तो आप देखते आइए। तो सिविल इंजीनियरिंग IIT भुवनेश्वर में ही बात कर रहे हैं, तो सिविल इंजीनियरिंग के 4 साल की B.tech की बात कर रहे हैं। तो देखिए इसमें क्या कहते हैं, OBC NCL के लिए जो नॉन क्रीमी लेयर थे उनके लिए क्लोजिंग रैंक रही थी 2560, और OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD मतलब फिजिकल हैंडीकैप के लिए क्लोजिंग रैंक रही थी 24। SC कैटेगरी के लिए क्लोजिंग रैंक रही थी आपको ये मिल जाती है 1997 पे, और ST के लिए क्लोजिंग रैंक रही थी 472वीं रैंक, ठीक है। अब आते हैं IIT भुवनेश्वर में सिविल इंजीनियरिंग की M.tech यानी डुअल डिग्री 5 साल की, और वो है देखो M.tech तो एक ही है, B.tech तो का कोर्स तो सेम रहेगा, लेकिन M.tech में ये बदल जाती हैं, ये स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग और आगे आती है ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें सबसे बढ़िया रहती है स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग। स्ट्रक्चर इंजीनियरिंग की क्लोजिंग रैंक रही थी 8,237। यदि आपकी 8,237 रैंक है तो आपको IIT भुवनेश्वर में आराम से एडमिशन मिल जाएगा। ये थी जनरल वालों के लिए। अब बात करते हैं OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए, तो नॉन क्रीमी लेयर के लिए रही थी ये 2,659। OBC नॉन क्रीमी लेयर PWD फिजिकल MDF के लिए रही थी ये 40.1, ये 40.1 मुझे नहीं पता क्या है, लेकिन 40.1 नंबर रहे होंगे, ठीक है। SC कैटेगरी के लिए रही थी ये 1,148, और ST कैटेगरी के लिए रही थी ये क्लोजिंग रैंक 521। ओपनिंग रैंक कोई मायने नहीं रखती है, ओपनिंग कहाँ से हो रही है, क्लोजिंग रैंक आप मायने रखती है वो आपको कितने तक मिल जाएगी, ठीक है। अब देखते हैं सिविल इंजीनियरिंग M.tech का ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग में 5 साल की ठीक बहुत ही स्ट्रक्चर की वाली। अब यह ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, तो इसमें जनरल रैंक की क्लोजिंग रैंक रही थी 8,567। यदि आपकी 8,567 रैंक है तो ये आपको मिल सकती है IIT भुवनेश्वर में, ठीक है। OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए रही थी ये वाली कट ऑफ इस ब्रांच में 2,875, और ये SC कैटेगरी वालों के लिए रही थी 1,403 रैंक। ये कैटेगरी में रैंक है न कि ऑल इंडिया रैंक है, ऑल इंडिया कैटेगरी में SC में रैंक कितनी रही थी क्लोजिंग रैंक 1,403, ठीक है। ऐसे ही एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जनरल वालों की जो सिविल इंजीनियरिंग है, ये ब्रांच तो सिविल इंजीनियरिंग है, लेकिन जो M.tech के लिए एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग में जनरल वालों की कट ऑफ रही थी क्लोजिंग रैंक वो रही थी 8,874, ठीक है। नॉन OBC नॉन क्रीमी लेयर में रही थी ये वाली कट ऑफ 2,768। SC कैटेगरी वालों के लिए रही थी ये कट ऑफ 1,490, और ST वालों के लिए रही थी 550 रैंक, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग की कट ऑफ के बारे में बता दिया है कि आपकी अगर इतनी रैंक है तो आपको संभावना है कि आपको ये वाली ब्रांच मिल जाए। तो ये IIT भुवनेश्वर है, नया है, न्यू IIT है, ये सिविल इंजीनियरिंग का 4 साल का और 5 साल का कोर्स दोनों ही उपलब्ध कराता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, धन्यवाद। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।